प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल जीवन मिशन से प्रेरणा लेकर सुभाष चंद्र बिश्नोई द्वारा भारत भ्रमण कर रहे हैं। वृक्ष मित्र समिति द्वारा उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। सुभाष चंद्र बिश्नोई ने बताया कि वे हरियाणा कृषि मंडी में सुपरवाइजर का कार्य करते थे। मेरी जो यात्रा है वो जल और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है, जिसमें मैं साइकिल से ये भ्रमण कर रहा हूँ। आज अभी यहाँ हूँ, सूरतगढ़ में हूँ, और ये यात्रा जो है पिछले 16 महीने से मैं पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 18 राज्य और इसके साथ जो है अभी 17,000 किलोमीटर का जो सफ़र है वो मेरा पूरा कर चुका है। इसमें नेपाल के भी 3 राज्य हैं और हरियाणा, भारत के जो हैं वो 17 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जहाँ मैं गया। तो इस सफ़र में लायंस क्लब से मैं बताना चाहूँगा कि मैं जुड़ा हुआ हूँ और लायंस क्लब के साथियों द्वारा भी इस यात्रा में जो है मुझे पूरा सहयोग दिया जा रहा है, और सभी शहरों में और गांवों में लोगों से बात करने पर और पानी की स्थिति है या पर्यावरण है या पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, इन सब के ऊपर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ जो मेरे साथ खड़े हैं सभी ये वृक्ष मित्र, ये संस्था है जो कि यहाँ पर इतना सूरतगढ़ में अच्छा जो काम कर रहे हैं वृक्षों के लिए, पर्यावरण के लिए, ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप जैसे लोगों से मिल पाया। और इस यात्रा में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबका प्यार, आपकी मोहब्बत जो है वो ही मुझे पूरी शक्ति देती है, ताकत देती है, तो ही मैं चल पाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे जा आपका क्या प्लान, क्या कुछ रहेगा आगे? अभी 18 राज्यों का दौरा करने के बाद अभी यहाँ से मैं कर्णपुर से गंगानगर, और गंगानगर से जो है अबोर के बाद अमृतसर से फिर जम्मू की तरफ, और जम्मू से हिमाचल, और हिमाचल से उत्तराखंड, और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है दिल्ली में जाऊंगा, और उसके बाद हरियाणा। लोगों का इसके प्रति, आपकी यात्रा के प्रति क्या रिस्पॉन्स रहा था? लोगों का, जैसे कि मैं कॉलेज में गया हूँ, स्कूलों में गया हूँ, यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, और युवा जो है वो इसको समझ पा रहे हैं, मैं क्योंकि पानी जो है वो महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी हैं, उन्होंने भी पानी को जो है पिता का दर्जा दिया था, और पानी का व्यवहार वही होना चाहिए हमारा कि जो पिता के साथ हम करते हैं। तो लोग बहुत उत्साहित हैं, और बहुत से लोग जो हैं इस यात्रा से प्रेरणा भी ली है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से क्लब के लोग जो हैं उन्होंने भी यात्राएं निकाली है, चाहे मैं बात करूँ बिहार की करूँ या उत्तर प्रदेश की, तो बहुत से लायंस क्लब के लोगों ने भी ये कहा कि हम भी जो है इस प्रकार की यात्रा जो है पर्यावरण का और वृक्षारोपण के ऊपर जो काम करते हैं। ये यात्रा से क्या है कि लोगों में जागरूकता पैदा होती है, लोगों को ये पता लगता है कि भाई ये जो आदमी काम कर रहे हैं इससे काफ़ी उत्साह है, और काम हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है, और लोग समझ भी रहे हैं कि पानी को जो है इसका प्रबंधन किस प्रकार से करना है। धन्यवाद। महावीर इंटरनेशनल अपेक्स के स्थापना दिवस पर सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज महावीर इंटरनेशनल एवं महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र सूरतगढ़ द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गरिमा प्रोजेक्ट के तहत झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 2 बॉक्स यानी 192 सैनिटरी पैड्स छात्राओं में वितरित किए गए। महिला सशक्तिकरण की डिप्टी डायरेक्टर वीरा नीतू बेद ने छात्राओं को समझाया। कार्यक्रम में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति सारस्वत, सचिव वीरा नेहा बेद, अनिशा नौलखा, रेखा, स्कूल टीचर बलजिंदर कौर, सुनीता का सहयोग रहा। इस अवसर पर गवर्निंग काउंसिल सदस्य वीर संजय वैद और रामपाल रोकना भी उपस्थित रहे। स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती मोहिनी पुरी ने संस्था का आभार व्यक्त किया। मचाया गेंद से कोहराम। प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में खेली जा रही ऑल इंडिया T10 दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता राजगानपुर स्टेडियम में कल एक मैच में उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तराखंड के खिलाफ खेलते हुए यूनुस खान ग्राम पंचायत उदयपुर तहसील सूरतगढ़ ने हारे हुए एक तरफा मैच में एक ओवर में 5 विकेट लेकर मैच का रुख ही पलट दिया, और उत्तर प्रदेश को इस मैच में विजय श्री दिलवा दी, और उत्तर प्रदेश को प्रतियोगिता में बनाए रखा। इस प्रदर्शन से सुदर्शन क्रिकेट अकेडमी सूरतगढ़ के खिलाड़ियों में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि यूनुस खान दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता में मैच दर मैच शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी वह ऑल इंडिया स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। यूनुस खान से दूरभाष पर हुई वार्ता में उन्होंने इसका श्रेय अपनी मेहनत, अपने परिवार और क्रिकेट कोच चंद्रशेखर यादव को दिया।